तो देखिए गाइस, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, अलखोर का इंडस्ट्रियल एरिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ही फैन जोन लगा था। आप लोग ने मेरा ब्लॉग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपको मैं अभी आपका जो मैं यहाँ रहता हूँ कतर में ना, ये पूरा आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्लॉग सोचा बना के दिखा दूँ। तो आप लोग देखिए और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा रिहायशी इलाका। और ये इंडस्ट्रियल एरिया अलखोर का है और मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरी कंपनी जो मुझे अकोमोडेशन दिया है, ए टू जेड कितने लोग रहते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस, कैसा है, कैसा रहना है, सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो देखते रहिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे हैं आसिफ खान ब्लॉग्स। तो ये रहा मेरा पीछे का, कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो मैं गाड़ी में ही हूँ, रूम पे पहुंच रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, अलखोर का इंडस्ट्रियल एरिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ही फैन जोन लगा था। आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो वाह। और ये हमारा वसीफ का लुलु हाइपरमार्केट है और यही हमारा कैंप है गाइस। यहाँ पे यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और ये हमारा पूरा कैंप, मतलब ये हमारा पूरा कैंप नहीं है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे हमारी कंपनी की कम से कम 6-7 बिल्डिंगे हैं जो कि रेंट पे लेके हम लोग को दिए रहने के लिए। और फ्लैट है गाइस, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है और 1 फ्लोर पे दो फ्लैट है और 1 फ्लैट में डबल बेडरूम रूम है गाइस। और ये है मल्टीपर्पज हॉल, लेकिन यहाँ में अंदर जिम नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग को मैं अपना अकोमोडेशन दिखा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करना जरूर। और लाइक तो करना ही करना है गाइस, लाइक करते नहीं हो आप लोग, और सब्सक्राइब चलो कर दिया करो। तो ये सारी देखिए बिल्डिंग है हमारी पूरी है, तीनों बिल्डिंग हमारी है, 3-4 बिल्डिंगे हैं। और अभी बस उतरने के बाद से आप लोग को अपना रूम दिखाता हूँ मैं। तो गाइज हमने गाड़ी पार्क कर दिया है और अभी देखिए हो रहा है। अरसलान भाई कैसा ला, कैसा है, मजे में? अभी हमारा दोस्त वो भी छुट्टी गया था, आया है अरसलान, मेरे से 10 दिन पहले गया था। तो ये गाइज देखिए हमारे साकिब भाई है, बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, पाकिस्तान के हैं। और साकिब भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारा रूम है, सबके अपने अपने अलमारी है। ये मेरा कचरा अलमारी, गाइस दिखा रहे हैं आप लोग को अपना बेडरूम। ये हमारा बेडरूम है गाइस, ये मेरा बेड है और 3 लोग हैं एक रूम में, सही है। और इधर एक रूम है जिसमें 2 लोग हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो बताइए और कमेंट करना जरूर। ये देखो बंदा अभी सो के उठ रहा है ना, क्लीन कर दिए।